जो अगर बात करें फिटनेस की और नेचर और साइंस के कम्बिनेशन कैसे हमारे स्वास्थ्य को फिट करता है, इस नेचर और कम्बिनेशन, नेचर और साइंस के कम्बिनेशन को, दोनों का सामंजस्य हमारी बॉडी में कैसे एक्शन करता है, इस बात को गंभीरता से बताने, समझाने, हमें हमारे बॉडी को रिजल्ट देने के लिए मैं इन्वाइट करूँगा कि समय को देखते हुए अपने कम शब्दों में सारी चीज़ों को हमें साथ शब्दों में पेश करेंगे। हमारे सीनियर कोच माननीय धर्मराज सर, या सवाल देखे जाए ओवर टू यू सर। थैंक यू। और आप सभी के लिए एक गुलाब की अर्पित होनी चाहिए, आपने खुद के लिए गुलाब की अर्पित करी कि आप सभी बड़े धीरता से धैर्य के साथ आप सभी ने अभी तक सभी को झेला, मुझे भी झेल लेंगे, मात्र 5 मिनट है ना। और इसलिए मैं आप सभी का स्वागत करूंगा कि आप सभी ने आज अपने लिए कुछ मी टाइम निकाला है ना। और ये जो पड़ाव था हम लोगों की जो एक यात्रा थी, हर सर के लिए योदा की अपील करिएगा, उन्होंने आगे की कुर्सियों को भरने का काम किया और यही होना चाहिए। किसी भी सभा में अगर आगे की कुर्सियां खाली रहेगा तो वक्ता का फिर समझ में नहीं आता है कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, है ना, क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि किसको सुनाना है कुर्सियों को। तो थैंक यू। और सबसे बड़ी चीज है कि हेल्थ है ना, यहाँ जो एक टॉपिक लिखा हुआ है हेल्थ एक्टिव लाइफ स्टाइल डे है ना, तो कहा जाता है, हमारे पुराने प्रणियों ने भी कहा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है ना। और एक लाइन ये भी कहा कि सबसे बड़ी चीज है क्या, पहले क्या, निरोगी काया। हाँ, निरोगी काया और इसके बाद घर में हो माया। लेकिन काया अगर निरोगी नहीं रहेगी तो माया मिल पाएगी क्या, वो माया जिसके लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और क्या कहा जाता है 99 के चक्कर में दौड़ रहे हैं ना, लेकिन जिस सुख के लिए दौड़ रहे हैं शायद वो सुख हमसे और दूर होता जा रहा है ना। तो हमको क्या करना है, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस, कैसे हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए हमें करना क्या होगा, क्रिएशन है ना, सुख के लिए नहीं बल्कि खुशी के लिए नहीं बल्कि इसको कहा जा सकता है कि खुशी से है ना, अगर हम किसी काम को करें तो दैट कैन बी अचीव इजीली, है कि नहीं। और ऐसे ही कुछ मेरी भी लाइफ स्टाइल रही, भागती दौड़ती अंधाधुंध है ना, और जिसके वजह से मेरी लाइफ स्टाइल की ही वजह से मैं थोड़ा सा है ना ओवरवेट है ना, ओबीज तो नहीं कर सकता, ओवरवेट हो गया था। और जब मेरे कोच द्वारा है ना, सबसे बड़ी खुशी की बात मेरी ये है, इसके लिए जोरदार क्लैप भी कर सकते हैं कि मेरा नाम मेरे कोच के लिस्ट में था है ना। एक सर ने कहा ना कि आज अगर कोई अच्छी चीज दी जाए तो उसके लिए डोर टू डोर जाना पड़ता है, सही बात है ना, दूध के लिए बाल्टा लेकर के ग्वाला जो है डोर टू डोर जाता है और जिसको पीने के बाद दुनिया में होश हो जाती है उसको जा करके हम लोग लाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात को समझ लेना है, अगर जितने लोग यहां, ऐसा नहीं कि आप ही लोगों को इनवाइट किया गया है इस कार्यक्रम के लिए, उम्मीद ये जताई गई थी कि इस कार्यक्रम में मिनिमम 50 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है, 99 का चक्कर भाग रहे हैं और जिस चीज के लिए भाग रहे हैं शायद वो उनके पास है और उसको वो खो रहे है ना। अगर पैसा कमा लिया जाए और खूब बढ़िया टॉयलेट बनवा दिया जाए गोल्ड का, क्या सुख मिल जाएगा, अगर उसमें आप व्हील चेयर से जाते हो तो सुख कहां है, उसे ढूंढना है ना। इसीलिए मैंने कहा कि सुख को क्रिएट किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है बाय माइंडसेट। सर ने कहा ना कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट क्या,
जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं उसके पीछे हमारी प्रायोरिटी तो है, हम चाहते हैं कि अच्छा सा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगलो हो, लेकिन जब गाड़ी बंगलो पैसा सब कुछ आ जाता है तो लास्ट में हम डॉक्टर के यहां जाते हैं, डॉक्टर तब क्या बोलते हैं कि आपको मेरी निगरानी में रहना पड़ेगा, आपको मैं डाइट प्लान बता रहा हूं, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा नमक भी नहीं खाना है, आपको सूखा रूखा खाना है। और तब हाथ जाके हम क्या करते हैं, यस सर, है ना, वो चाहे धन्ना सेठ हो चाहे दुनिया का कोई भी एक अमीर व्यक्ति हो। और आपने के झुनझुनवाला को अभी हाल में जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में तो सुना नहीं होगा, है ना, उन्होंने लास्ट में यही स्टेटमेंट दिया था कि मेरी सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरा हेल्थ है। शायद उनसे अमीर व्यक्ति अभी कोई इधर हाल में नहीं मरा है ना। और ये हुआ क्यों, सर ने बताया ना बड़ी अच्छी तरह से कवर किया कि पिछले 30-40 सालों में ये सबसे ज्यादा गिरावट आई है हमारे स्वास्थ्य के परिदृश्य में। आज एक सर्वे है WHO का, उसमें ये बताया गया कि आज 70% जो डॉक्टर्स विजिट हो रहे हैं ना, 70% का मतलब समझते हैं 10 में से 7 (7 out of 10) वो किस लिए हो रहे हैं, गलत खान पान की वजह से। आज हमने सभी बीमारियों पे, या कहिए तो साइंस ने सभी बीमारियों को कहिए तो होल्ड कर लिया, यानी उसमें विजय प्राप्त कर लिया, है ना, ना हमें कोई बैक्टीरियल बीमारियां हो रही हैं, ना वायरल बीमारियां हो रही हैं, ना फंगल बीमारियां हो रही हैं। हो क्या रहा है, किसी को शुगर हो रहा है, किसी को थायराइड हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और दीज आर लाइफस्टाइल डिजीज। ये सभी अभी जो लिखी गई है बात ना, ये हमारे जीवन शैली का, दिनचर्या का, जीवनचर्या की बीमारी है, और इसको कंट्रोल कौन करेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि इसको कंट्रोल करने वाले, इसे हैंडल करने वाले, इसे ड्राइव करने वाले वी आर, है ना, हम हैं। और जिस काम को हम कर सकते हैं, है ना, उसे हम कर ही नहीं रहे, तो क्या होगा। आगे WHO कहता है कि ये 70% बीमारियां कंट्रोल की जा सकती हैं, है ना, जो 70% बीमारियां हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं। हाउ, अगर हम अपनी खान पान की आदतों को, अपने जीवनचर्या को, यानी जीवन जीने का तरीका, है ना, बदल दे, यानी हमें कैसे ड्राइव होना है उसका एक तरीका सीख ले, और इसके लिए क्या है, ममता सिंह जैसे कोच की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको सोने की आदत है 8 बजे तक, तो घर में अलार्म नहीं जगाने वाला, क्योंकि स्नूज बटन भी उसमें होता है ना, आप बार बार स्नूज बटन पे दबाएंगे, लेकिन फोन जो करेगा उसका कितनी बात करेंगे, है ना, तो थोड़ी सी रिस्पांसिबिलिटी कोच की और थोड़ी सी खुद की, क्योंकि सही किसको होना है, शायद हमको, है ना, बीमारियों से किसको निकलना है, शायद हमको। और एक इसके लिए नोबेल प्राइज तक मिला है, है ना, कुछ वैज्ञानिकों के दल ने एक काम किया साइंस के ऊपर, जिसको बोलते हैं ऑटोफेजी, सुना होगा आपने, है ना। ऑटोफेजी मींस होता क्या है कि हमारी बॉडी खुद की एक इंटेलिजेंट मशीन है, हमारी बॉडी खुद की एक अपनी डॉक्टर है, है ना। हमारे सेल प्रतिदिन, कुछ अच्छे सेल पैदा होते हैं और कुछ सेल डेड होते हैं, है ना, तो हमारा DNA भी बदलता है। ये बात उस जमाने की नहीं है कि बुढ़ापे से जवानी, है ना, याती को सुना होगा आपने, है ना, उन्होंने अपने बेटे से जवानी मांग ली, ऐसा हुआ इतिहास में, है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी का उपभोग बढ़िया से नहीं किया था, इसलिए उन्होंने जवानी को उधार मांग लिया। लेकिन यहां आप खुद जवान हो सकते हैं, क्योंकि भारत की नहीं पूरी दुनिया की ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, एजिंग की। आज लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, इस बात से सहमत है, मैं इसका खुद में प्रमाण हूं। जब मेरे कोच के द्वारा मुझे BMI कराई गई करारा मशीन पे, तो मेरा एज 56 बता रहा था,
जबकि मैं उस समय 45 वर्ष का था और आज की दौर में मैं आज ठीक 49 का हूं और मेरी मशीन मुझे 49 का बताती है। और वजन कितना बढ़ा था? मात्र 8 किलो 300 ग्राम। वो तो कब का अचीव हो गया? अरे जो बीमारी थी शुगर, आज की सबसे बड़ी चैलेंज, अगर मैं किसी को खड़ा करूं, आप में से बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी हैं, कि आज से 20 साल पहले क्या आपने गांव में कभी शुगर के बारे में सुना? अगर सुना भी होगा तो एक आध आदमी रहा होगा और कहा जाता था कि ये राज रोग है ना, आराम तलबी वाले लोगों को होता है, जो बहुत परिश्रम नहीं करना चाहता, जी चुराता है, दिन भर खा पी के सोया रहता है। और आज क्या सभी लोग ऐसे हो गए क्या? हर घर में अभी 22 तक का डाटा था कि हर चौथा भारतीय डायबिटिक है, और आज का इस वर्ष का ये डाटा है, सर्वे रिपोर्ट है कि हर तीसरा भारतीय डायबिटिक हो रहा है। हो क्या? पानी मर कहां रहा? वी हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना? और जिस दिन हम सोच लिए, सोच से ही क्या बदलता है? परिणाम बदल जाता है। तो बस इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ कि आप एक सोच डालिए, एक छोटी सी बीज का एक, आज अगर आपने समय दिया है ना, तो थोड़ा सा मी टाइम और निकालिए, और एक हेल्पिंग टू हेल्प करके सेशन आता है, उसको पार्टिसिपेट करिए, वहां आइए, देखिए लोग कैसे बदल रहे हैं, लोग कैसे अपने डायबिटीज को रिवर्स कर रहे हैं, कैसे थायराइड को रिवर्स कर रहे हैं, 100 mg, 150 mg, 200 mg खाने वाले लोग, इंसुलिन की 24-24 पॉइंट तक और लेने वाले लोग डायबिटिक को कैसे रिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसका खुद उदाहरण हूं। जो मेरा शुगर 290 हुआ करता था और दोनों टाइम ग्लाइकेडियम जैसी दवाई लेनी पड़ती थी, मैं पिछले 3.5 साल से मेडिसिन फ्री हूं। इट कैन बी क्रिएट, ये किया जा सकता है, लेकिन वी हैव टू ड्राइव आवर सेल्फ, हमें अपने आप को ड्राइव करना पड़ेगा। हाउ टू ड्राइव? इट कैन बी हैपन ओनली बाय योर कोच। आपके कोच ही बता सकते हैं कि आपको कैसे ड्राइव किया करना है ना, कैसे स्वास्थ्य की आदतों में सुधार ले आना है, और तब जा करके ये हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल जो साहित्य सर्व संस्था द्वारा आयोजित किया गया है, एक सफल परिणति उसकी हो पाएगी। और अखंड सर के लिए एक बार जोरदार प्रयास करेंगे कि ऐसे आयोजन करते रहे, आपसे इस समाज को एक दिशा, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज है जो समाज को दिशा देती है ना, और दिशा अगर सही हो ना, तो कहा जाता है कि दशा बदलते समय नहीं लगता। तो वी आर ऑल इन गुड डायरेक्शन, हम सभी एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि भगवान सभी के स्वास्थ्य में है ना, क्या दे, स्वास्थ्य में नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, सबके मन में कुछ ऐसा विचार दे कि सब लोग स्वस्थ तन और प्रफुल्लित मन है ना, इसको अचीव कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, कि आप सभी ने है ना अच्छी तरह से चीजों को समझा, एहसास किया और इसे क्रिएट करने का प्रयास करें। थैंक यू।